और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। राजस्थान पुलिस के लिए चुनौती बने कोटा में हुए रुद्राक्ष अपहरण हत्याकांड की ब्लाइंड गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने 5 दिन की मशक्कत के बाद आखिरकार आरोपी की पहचान कर ली है और आरोपी कोटा का रहने वाला अंकुर पाड़िया निकला है, जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से दूर है। एडीजी अजीत सिंह ने पूरे मामले से पर्दा उठाते हुए बताया है कि अनूप पाड़िया ने पैसों के लिए मासूम रुद्राक्ष का अपहरण किया और फिर उसकी हत्या कर दी। पुलिस को आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं और कोटा के अनंतपुरा इलाके के ओम एनक्लेव में रहने वाला अंकुर पाड़िया को मुख्य आरोपी माना गया है। फिलहाल 2 करोड़ की फिरौती के लिए मासूम रुद्राक्ष की हत्या करने वाला आरोपी अंकुर पाड़िया पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस आरोपी की तलाश के साथ ये पता लगा रही है कि अंकुर पाड़िया के साथ और कितने लोग इस जघन्य अपराध को अंजाम देने में शामिल थे। गौरतलब है कि 9 अक्टूबर को कोटा के तलवंडी इलाके के एक पार्क से मासूम रुद्राक्ष का अपहरण किया गया था और उसका शव 10 अक्टूबर को बंदी रोड पर जाखमुड नहर से उसका शव बरामद किया गया था। तो बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि कोटा पुलिस को यहां पर एक बड़ी कामयाबी मिली है। देखा जाए तो करीब करीब 5 दिन की मशक्कत के बाद अब जो मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले में, उसका चेहरा यहां पर साफ हुआ है और इसके साथ ही अंकुर पाड़िया नाम के इस युवक पर आरोप लगाया गया है रुद्राक्ष के अपहरण और फिर उसकी हत्या का। हालांकि अभी ये जो आरोपी है ये पुलिस की गिरफ्त से अभी दूर है, लेकिन पुलिस लगातार अब इस प्रयास में जुटी है कि उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और इसके साथ ही उन नामों का भी खुलासा हो जो अंकुर पाड़िया के साथ इस अपराध में शामिल थे। और अभी तक की जो खबर मिल रही है उसके अनुसार आरोपी की पहचान कर ली गई है और पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में जगह जगह दबिश भी दे रही है और गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी है। ये जांच के उपरांत इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि अंकुर पाड़िया जो कि कोटा का निवासी है और ओम एनक्लेव में रहता है, उसकी मुख्य भूमिका रही है इसमें। उसके हम तलाश कर रहे हैं, तलाश करने के उपरांत जब गिरफ्तार होगा उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उसमें कोई सहयोगी रहा है नहीं रहा है उसके बारे में अभी पुष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, उसकी जांच चल रही है। मेरे ख्याल से शीघ्र वह भी क्लियर हो जाएगा। सर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो मुख्य आरोपी अंकुर पाड़िया का यहाँ पर नाम सामने लाया गया है और उसे ही मुख्य आरोपी बताया है पुलिस ने। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता शाकिर अली से। शाकिर, अंकुर पाड़िया की गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से? क्या टीम गठित की गई है? कहां पर दबिश दी जा रही है और क्या इस बात की जानकारी है कि वो फिलहाल प्रदेश में ही है या कहीं बाहर फरार हो चुका है? जी जी बिल्कुल नेहा, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है और ये नाम सामने आया है उसके बाद हर किसी की इच्छा है, हर शहर का हर शख्स देखना चाहता है इस मासूम के कातिल को, क्योंकि जिस बेरहमी से कत्ल किया गया था और फिर 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। 5 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस इसमें सफल हुई है और अंकुर पाड़िया जो है इसको जो है मुख्य आरोपी माना गया है। जिस तरह के सबूत पुलिस को मिले हैं उसमें पूरी तरह से साबित हो गया है। डीजी क्राइम ने इस बात की पुष्टि की है कि अंकुर पाड़िया ही मुख्य आरोपी है। जहां तक इसकी गिरफ्तारी की बात है, पुलिस का दावा है कि जल्द ही ये पुलिस की गिरफ्त में होगा, क्योंकि कब तक पूरा का पूरा केस जो है पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर ये कहलाया जा रहा हो रहा था और पूरी जाँच जो है वो अलग अलग दिशाओं में हो रही थी, क्योंकि आरोपी जो है जी बिल्कुल, यानी जांच जारी है और अब जल्द ही गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पिछले 5 दिन से मशक्कत कर रही पुलिस को हालांकि बड़ी कामयाबी मिली है, लेकिन अब दबाव और भी बढ़ गया है और वो कि आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और साथ ही जो और लोग इस मामले में जुड़े हुए हैं उनकी भी पहचान की जाए।